हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज फायर, फ्रेंड एंड फो. तो बच्चों, हमने इसमें पढ़ा था कि फायर कैसे डिस्कवर हुई थी, या अर्ली मैन जो थे किस तरह से फायर को देखते थे, किसमें देखते थे, वॉचिंग वॉल्केनोज या लाइटनिंग होती थी तब वो फायर को देखते थे और थोड़ा सा फ्राइटेंड फ्राइटेंड. क्यों होते थे फ्राइटेड? क्योंकि उन्होंने देखा कि इट इज वेरी पावरफुल एंड डेंजरस. और किस तरह से कॉज करती है डैमेज, देखा था उन्होंने कि किस तरह से फॉरेस्ट में कभी आग लग जाती है, तो इस वजह से दे वर फ्राइटेड. उसके बाद जैसे ही उन्होंने डिस्कवर करा फायर को और उस और किस तरह से उसको यूज करना शुरू करा और एक सेटल्ड लाइफ जो है उन्होंने शुरू करी थी आफ्टर इन्वेंशन या डिस्कवरी ऑफ फायर. तो ये हमने देखा था. और हमने देखा था कि फायर क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें किसी चीज की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की, हीट की और फ्यूल की. अगर इसमें से एक चीज भी नहीं होती है तो फायर नहीं होती है. तो हमने किस तरह से देखा कि इसका क्या केमिकल रिएक्शन है और किस तरह से ऑक्सीजन किससे रिएक्ट करती है, कार्बन और हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है, एंड इट प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट. तो बच्चों, इसी को और हमने देखा था कि किस तरह से हम पुट अ फायर करते हैं. तो यहाँ पे हमारा टाइटल क्या है, फायर, फ्रेंड एंड फो, कि फ्रेंड भी है, यूजफुल भी है, बट व्हेन इट इज आउट ऑफ कंट्रोल इट इज डेंजरस टू अस. और कैसे हम उसको रोक सकते हैं, ये भी हमने वेज देखे थे, थ्री वेज देखे थे और थ्री जो है हमने कॉम्पोनेंट देखे थे विच मेक द फायर. क्लियर? तो इसी को अभी हम डिस्कस करते हैं. तो बच्चों, हमने ये डिटेल में चैप्टर पढ़ा था, तो आज हम इसकी समरी के थ्रू इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम जो है क्योर कर सकते हैं या पुट ऑफ फायर कर सकते हैं. और हमने देखा था कि फर्स्ट वे हमने क्या देखा था कि अगर हम, इफ द फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन तो नो बर्निंग. अगर हमने देखा था कि अगर वहां पे कोई ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं होगा, नो बर्निंग. या तीसरा हमने क्या देखा कि नो हीट, नो बर्निंग. तीन क्या क्या हमने देखे थे कंपोनेंट्स, नो फ्यूल, नो फायर. सेकेंड हमने देखा था कि नो ऑक्सीजन, नो फायर, नो हीट, नो फायर. तो अगर इनमें से एक भी नहीं होगा तो क्या फायर होगी? ऑब्वियसली नो. आपके घर में लकड़ी पड़ी है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से मिल रही है हमें, हवा से मिल रही है, एयर से, बट अगर हम हीट नहीं करेंगे, हम मैचबॉक्स नहीं लगाएंगे, उसमें हीट नहीं करेंगे, तो क्या फायर होगी? ऑब्वियस नो. सपोज फ्यूल है, हीट है, ऑक्सीजन नहीं है, तो भी क्या होगा? नो फायर, राइट? अगर फ्यूल है, ऑक्सीजन है, हीट नहीं है, तो नो फायर. तो हमने देखा कि किस तरह से तीनों कंपोनेंट इज इंपॉर्टेंट टू फायर. क्लियर? कंपोजिशन क्या है, ये हमने द प्रीवियस लेक्चर आपने जो है क्लियर करा था कि ऑक्सीजन के लिए थ्री थिंग्स नीडेड टू मेक फायर, फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट. फायर के लिए क्या चीजें जरूरी है? फ्यूल, ऑक्सीजन प्लस हीट. क्लियर? ऑक्सीजन कहां से मिलती है बच्चों? हवा से मिलती है. जैसे हमने डिस्कस करा था कि 21% जो है ऑक्सीजन इज इन इसमें होती है, प्रेजेंट इन द एयर. क्लियर? फ्यूल चाहे कोल हो, पेट्रोलियम हो, वुड हो. थर्ड कंपोनेंट क्या है हमारा? हीट. तो ये तीन जो है थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर. क्लियर? नेक्स्ट हमने देखा कि तीन चीजें हमें किसके लिए चाहिए? फायर बनाने के लिए, और तीन चीजें उसको पुट ऑफ करने के लिए भी चाहिए. नेक्स्ट हमने देखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करते हैं, तो हमें वाटर स्प्रे का यूज नहीं करते. किस चीज का यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का हम यूज करते हैं टू एक्सटिंग्विश द फायर. क्लियर? या ऑयल, अगर यहाँ पे ऑयल फायर होती है, इन दैट केस आपको इस वाटर स्प्रे को यूज नहीं करना है. तो दो केसेस में आपको वाटर स्प्रे नहीं यूज करना. फर्स्ट वन इज योर ऑयल फायर,
क्योंकि वो पानी के साथ साथ फ्लोट करती है और बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है। सेकंड हमने देखा था कि कहाँ पे हमें, जब व्हेन वी यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या शॉर्ट सर्किट से हमारी जो है प्रति आग लग जाती है, तो इन दैट केस वाटर स्प्रे इज नॉट यूज। तो दिस इज द समरी। अभी हम समरी डिस्कस करेंगे, अगर आपके समझ में नहीं आया तो लेट मी द समरी। अर्ली मैन डिडंट नो फायर वॉज। अब पहले आदमी को क्या पता था? पता था बच्चों कि फायर क्या होती है, किसमें देखता था वो फायर? लाइटनिंग में देखता था या वॉल्केनो इरेप्ट होता था उसमें देखता था क्या? फायर, लाइट। किसमें देखता था? लाइटनिंग में, बोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग एंड द वॉल्केनो इरेप्शन। Since he didn't know what fire was and had not discovered the uses of it, जब उसे ये नहीं पता था, discovered नहीं करा था fire को, तो he didn't know the uses of it, उसे uses भी नहीं पता था, he was frightened, और इधर से उधर जो है वो wander करता रहता था, घूमता रहता था, and even he was frightened by the damage caused by the unknown thing, unknown thing is fire. किसने देखता था? Only watch in the bolts of lightning and volcano. क्योंकि जब volcano erupt होता है तो बच्चों क्या निकलता है उसमें? Molten rock material, magma. और वो उसमें जो heat देखता था उससे frightened होता था. Because क्यों होता था? क्योंकि उससे वो क्या देखता था कि जो damage हुआ है caused damage by lightning and volcano. Then the writer tell us that fire had confused the early man, but we now know, अब हमें पता है कि ये क्या है, एक chemical reaction है. Form of a fuel, energy is released in the form of heat and light. अब जब हम fuel को burn करते हैं, right? तो जब हम burn करते हैं तो क्या निकलती है? Energy. किस form में निकलती है? Heat and light. तो आप इसको short में ऐसे लिख सकते हैं, so that it is easy for you to learn. Fire, fuel, oxygen, third thing is heat. It produced energy in the form of heat and light. Clear? तो बच्चों ऐसे करके शॉर्ट में लिख के आप उसको याद कर सकते हैं। तो तीनों कंपोनेंट्स भी हो गए यहाँ पे, और क्या निकलता है इसमें? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी में, एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? हीट एंड लाइट। क्लियर? नेक्स्ट इज, दिस इज नोन एज फायर, और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? फायर, आग। सब देखते होंगे अपने घर में बच्चों, मम्मी कुक करती है तो इट इज यूजफुल। कभी आपने देखा होगा कहीं शॉप में या बिल्डिंग में आग लग जाती है तो क्या करता है वो? डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है, हार्मफुल होता है। क्लियर? तो कभी आप मॉल में गए होंगे या किसी ऑफिस में गए होंगे तो आपने क्या देखा है, वहां पे एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है जिसपे CO2 लिखा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? वी नो दैट थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग ऑफ फायर, दैट इज हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ तीनों चीजें लिखी हुई बच्चों कि फायर के लिए क्या क्या तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। दैट इज थ्री थिंग्स नीडेड टू मेक अ फायर, दैट इज हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। फ्यूल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, अब फ्यूल किस फॉर्म में होता है बच्चों? फ्यूल क्या है? ईंधन, जिसको आप कहते हैं हिंदी में ईंधन। तो ईंधन क्या है आपके घर में, क्या यूज करते हैं आप? केरोसिन यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं या गैस यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? दैट इज योर फ्यूल। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? फ्यूल कहते हैं। तो फ्यूल क्या है? इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, वुड, कोल, कुकिंग गैस। तो इसमें से कौन सा फ्यूल आप यूज करते हैं? ऑक्सीजन कैन बी फाउंड इन फ्री एयर। अब आपको पता है कि हवा में क्या रहती है? ऑक्सीजन। हम क्या ब्रीथ करते हैं बच्चों? आपने साइंस में पढ़ा होगा ऑक्सीजन। वी ब्रीथ इन क्या करते हैं? ऑक्सीजन। कहां से मिलती है हमें? एनवायरमेंट से, हवा, हवा से मिलती है। और हवा में कहां से आती है बच्चों? कौन देता है? प्लांट्स। तो प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल? ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्यों हो रही है बच्चों? क्योंकि प्लांटेशन कम हो गया है, हम लोग पेड़ काट देते हैं।
तो आप लोगों को कहीं भी जो है बैरन लैंड मिलती है, खाली जगह मिलती है, तो आपको क्या लगाना चाहिए, प्लांटेशन। तो जहां ज्यादा पेड़ होंगे वहां पे ऑक्सीजन, प्योर एयर मिलेगी आपको। हेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी मेट क्वाइट इजीली। अब एटमोसफियर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी तो कहां से मिलेगी आपको ऑक्सीजन। इसके लिए हमें क्या करना है, प्लांटेशन करनी है, प्लांट्स लगाने। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ब्लो ऑन ए स्मॉल रिंग, अगर कोई स्लोली जो है धीरे से जल रहा है कोई पेपर, पीस ऑफ पेपर, द पेपर कैचेस फायर, और आप उसको ब्लो करते हैं तो ऑक्सीजन जो है उसको सपोर्ट करती है एंड इट कैचेस फायर, जल्दी से आग लग जाती है। द पेपर कैचेस फायर। द लास्ट रिक्वायरमेंट इज हीट। इफ हीट वुड नॉट हैव बीन अ रिक्वायरमेंट देन अ न्यूज़पेपर लाइंग एनीवेयर। अगर बच्चों देखो, अगर हीट की जरूरत नहीं है, अगर कहीं आग लगानी है तो बच्चों क्या करते हैं, आप मैचेस स्टिक लेके जाते हैं, राइट? मैचेस की तिल्ली से आप लगाते हैं आग। अगर हीट की जरूरत नहीं होती तो न्यूज़पेपर जो पड़े हुए हैं आपके, तो क्या होता है, उनमें आग लग जाती। क्लियर? तो बताया गया है कि अगर हम हीट यूज नहीं करेंगे तो कोई फायर नहीं होगी, नो फायर। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था कि नो फ्यूल, नो फायर, नो ऑक्सीजन, नो फायर, नो हीट, नो फायर। अगर हीट नहीं होगी तो आपकी फायर नहीं होगी। क्लियर? टू मेक वुड कैच फायर वी हीट इट। अगर आपको लकड़ी में आग लगानी है तो आप क्या करते हैं, वहां पे मैचेस स्टिक ले जाएंगे, जलाएंगे उसको, तो क्या एकदम कैच कर लेती है, नहीं करती, क्योंकि उसका क्या होता है, एक बर्निंग पॉइंट होता है। आप पेपर के पास मैचेस स्टिक ले जाएंगे, एकदम जल जाएगा। तो सबका जो है एक क्या होता है, टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर में इट कैचेस फायर। लाइटेड मैचेस स्टिक, दिस इज ऑफन डन विद लाइटेड मैचेस स्टिक। Now we have to wait for some time for the wood to catch fire. This is because every fuel has a particular temperature. क्या हर चीज, जैसे आपका क्या है, मानो यहाँ पे वुड रखा है, यहाँ पे आपने पेपर रखा है और कोई पेट्रोल रखा है, तो आप देखेंगे कि मैचेस स्टिक आप जब लाइट करते हो तो सबसे पहले आग कहाँ लगती है, तो जिस पॉइंट पे इट कैचेस फायर, That is the, क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लैश पॉइंट। क्या बोलते हैं उसे, फ्लैश पॉइंट। अभी आगे देखेंगे ये, दिस इज बिकॉज एवरी फ्यूल हैज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर विद इट बिगिंस टू बर्न, सो वी हैव टू वेट फॉर वुड टू रीच दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो जब तक वो टेम्परेचर नहीं होता तब तक वो बर्न नहीं होती वुड। क्लियर? एंड दैट टेम्परेचर वुड बी वुड्स, क्या बोलते हैं उसको बच्चों, फ्लैश पॉइंट। तो पेपर का फ्लैश पॉइंट अलग होता है, वुड का फ्लैश पॉइंट अलग होता है, तो कोई भी बर्निंग थिंग होती है उसका फ्लैश पॉइंट क्या होता है बच्चों, सबका अलग अलग होता है, कुछ जल्दी फायर कैच करते हैं और कुछ बाद में। और किडलिंग टेम्परेचर, देन द राइटर टेल्स अस दैट इट इज समटाइम्स सेड द फायर इज गुड सर्वेंट। अब कई बार क्या है, हमारी गुड सर्वेंट है बट बैड मास्टर। कब बैड मास्टर है बच्चों, आप बता सकते हैं, अभी हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा है। बैड मास्टर कब है, इन दैट केस व्हेन इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, जब हमारी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, या इट इज ड्यू टू, कई बार होता है हम केयरलेस हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और आग लग जाती है, तो वो क्या होती है, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, राइट? इन दैट केस इट इज अ बैड मास्टर। इट मीन्स दैट फायर इज यूजफुल ओनली व्हेन इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल। जब तक कंट्रोल में है, हम खाना बना रहे हैं कंट्रोल में, कई बार हम अगर गैस खुली छोड़ के चले जाते हैं और बाद में आते हैं तो गैस क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है पूरे कमरे में, तो हमें केयरफुल होना चाहिए। और अगर जैसे ही हम मैचेस स्टिक जलाते हैं, लाइट करते हैं, तो क्या होता है, आग लग जाती है। तो कई इंसिडेंट आप लोगों ने सुने होंगे, घटनाएं, कि ऐसी कई घरों में हो जाती है केयरलेस की वजह से। द राइटर देन टेक्स एन एग्जाम्पल ऑफ फायर बींग यूजफुल फॉर कुकिंग। हम किसके लिए यूज करते हैं, कुकिंग के लिए यूज करते हैं, कुकिंग अस वार्म इन विंटर्स। अब आज सर्दियां हैं तो सर्दियों में हम क्या यूज करते हैं, फायर यूज करते हैं अपने आप को वार्म करने के लिए, या घर को वार्म, एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी अंटिल इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल,
एंड बर्न्स डाउन आवर हाउस. अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो क्या होता है, आग लग जाती है. ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज. आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि दिवाली के टाइम कहीं पे शॉप में आग लग गई है या कोई पटाखा वहां पे गिर गया है तो कितना डैमेज हो जाता है, कितना नुकसान होता है. तो यहाँ पे राइटर टेल्स अस कि ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर. ड्यू टू दिस रीजन वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट. और कई बार आपने देखा होगा कि जंगल में आग लग गई है तो जंगल में आग कैसे लग जाती है, कई बार लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है तो उससे कोई चिंगारी गिर जाती है, या गर्मियों में मोस्टली जो है आग लग जाती है फॉरेस्ट में. तो क्या पेड़ ही जलते हैं वहां पे बच्चों, क्या वही डैमेज होता है. हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, जो उनका शेल्टर है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, वो भी बेचारे मर जाते हैं किसमें, फॉरेस्ट में जब आग लगती है, राइट. तो वो भी क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है. वर डिस्ट्रॉइड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल. और जितने एडजॉइनिंग आसपास के जो गांव होते हैं वो भी इफेक्ट हो जाते हैं इफेक्ट ड्यू टू फायर इन द फॉरेस्ट. किल्ड और इंजर्ड. देन द राइटर टेल्स अस दैट द नंबर ऑफ वेज टू पुट फायर. अब आग को बुझाने के कई तरीके हमने पढ़े थे, अगर आपने चैप्टर ध्यान से सुना होगा तो अभी हम लेट्स डिस्कस थ्री. अब बच्चों अभी आपने ध्यान दिया होगा कि फायर को बनाने के लिए हमें तीन कंपोनेंट चाहिए, फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट. सिमिलरली इसको पुट आउट करने के लिए, फायर को टू पुट आउट फायर ऑफ, तो हमें कितने चीजों की जरूरत, क्या कितने तरीके हैं, थ्री वेज है, राइट. इन ईच वे वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज टेकन फ्रॉम द फायर. अगर इनमें से एक भी चीज जो है हम आउट कर देते हैं तो नो फायर, ठीक है. अगर ऑक्सीजन है, हीट है, फ्यूल नहीं है तो नो फायर. जब फ्यूल ही नहीं है तो आग किसमें लगाएंगे. अगर फ्यूल है, ऑक्सीजन है, हीट नहीं है तो कोई फायर नहीं होगी. इफ ऑक्सीजन है, हीट है, फ्यूल नहीं है तो नो फायर. तो इन तीन कंपोनेंट में से एक भी चीज को हम अलग कर देंगे तो बच्चों क्या आग लगेगी, ऑब्वियस नो. फर्स्ट वे क्या है, टू टेक अवे द फ्यूल. अगर हम फ्यूल को अलग कर देंगे, बाई टेकिंग अवे द फ्यूल फायर विल नॉट हैव ए सब्सटेंस टू बर्न ऑन. तो नो फ्यूल, नो फायर, क्लियर. इट विल गेट एक्सटिंग्विश्ड, बुझ जाएगी. एक्सटिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, बुझ जाएगी. क्योंकि अगर फ्यूल नहीं होगा, अगर मान लो सपोज आप घर में चूल्हा जला रहे हैं, राइट. अगर आपने लकड़ी डाली है, एक लकड़ी है, और कितनी देर जलेगी अगर उसको सपोर्ट करने के लिए और ऐड नहीं करेंगे उसमें वुड, तो क्या वो जलेगी बच्चों. ऑब्वियस है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगी, बुझ जाएगी. द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग फायर इज प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट. दूसरा आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देंगे. कैसे रोकेंगे, अगर मान लो स्मॉल फायर लगी है, राइट. तो आप क्या करेंगे, उसमें डैम ब्लैंकेट, गीला कंबल डालेंगे, या आपको क्या करना है, सैक, बोरा, वेट, गीला करके या डैम करके उसमें डालेंगे तो क्या होगा, इट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो अपने आप वो बुझ जाएगा. तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन क्या करता है, सपोर्ट फायर या बर्निंग, सपोर्ट बर्निंग, जला, अगर कोई चीज जलती है, अगर ऑक्सीजन सप्लाई होती है तो और जलना शुरू हो जाता है. थर्ड वे क्या है बच्चों, पुटिंग आउट फायर इज टू रिमूव द हीट. अगर हम वहां से हीट को रिमूव कर देंगे तो नो फायर. इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन. अगर सपोज आग लगी है वहां पे, अगर हम उसके चारों तरफ का टेम्परेचर को कम कर देंगे. अब कम कैसे करेंगे बच्चों, वाटर स्प्रे करके, पानी का स्प्रे करके. अब पानी का स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, वो जो हीट है चारों तरफ उसके सराउंडिंग में वो एब्जॉर्ब करेगा उसे, राइट. टू डू सो वी यूजुअली यूज वाटर. आप लोगों ने देखा होगा जहां आग बुझाते हैं तो क्या यूज करते हैं, वाटर स्प्रे, पानी को यूज करते हैं. नॉट ऑल फायर्स कैन बी ब्रॉट डाउन बाय द बकेट्स ऑफ वाटर. अब सारी जो है आगों को हम किससे, पानी से नहीं बुझा सकते. अगर इलेक्ट्रिक का अगर वहां पे अप्लायंसेज है या शॉर्ट सर्किट है तो डोंट यूज वाटर इन दैट केस. अगर ऑयल फायर है तब भी आप जो है वहां पे फायर को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो फ्लोट करता है किसके साथ, पानी के साथ. क्योंकि फायर क्या कर, ऑयल क्या करता है, किसमें फ्लोट करता है, पानी में, राइट. तो वो पानी के साथ साथ क्या करेगा, फ्लो करता है. तो डोंट यूज वाटर इन दैट केस.
because of the oil in it. In fact, the water can spread the oil even more. दूर तक जो है पानी के साथ क्या होता है बच्चों, वो बहता रहता है और फैलती रहती है. The result is more damage. If a person tries to put on an electric fire, अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप यूज कर रहे हैं, कोई सामान यूज कर रहे हैं, तो गीले हाथों से कभी यूज ना करें उसे, या गीले आपका पैर, नंगे पैर, उसको बेयर फीट हमें यूज नहीं करना चाहिए. हमेशा क्या करना चाहिए, अपने प्रिकॉशंस लेके ग्लव्स को यूज करना चाहिए. और ज्यादा से ज्यादा क्या है, वुड के किसी जो स्टूल पे आप खड़े होके यूज कर सकते हैं. द पर्सन विल रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक, आपको करंट लग सकता है, विच कैन इवन किल द पर्सन. द करेक्ट वे इज टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर विच हैव कार्बन डाइऑक्साइड. हमें आग को बुझाने के लिए क्या यूज करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वो वाले फायर एक्सटिंग्विशर यूज करनी चाहिए. कहाँ पे, जहाँ पे ऑयल फायर हो, या आपकी किसी लगी है इलेक्ट्रिक सर्किट जो है शॉर्ट सर्किट हुआ है, इन दैट केस क्या यूज करना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर. The writer tells us that we spend millions of rupees each year in fighting fires. We spend millions, right? Find the new ways. और हम जो है नए नए तरीके जो है यूज कर रहे हैं या डिस्कवर कर रहे हैं टू फाइट विद फायर्स. दे वुड फॉर्म अ ह्यूमन चेन. अब पुराने जमाने में आपने देखा है कि लोग क्या करते थे, कोई सोर्स होता था. तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे सोर्स है, कोई सोर्स ऑफ वाटर है, कोई वेल है, या कोई कैनल है, या कोई रिवर है. तो लोग क्या करते थे, यहाँ पे खड़े रहते थे चेन बना के, राइट, और ये इसको सप्लाई करा, ये इसको सप्लाई करा, बकेट. यहाँ पे क्या यूज करते हैं, वो बकेट चेन बनाते हैं अपने. दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन चेन. और यहाँ पे जो है आग लगी हुई है, राइट. तो यहाँ से पानी जो है चेन बना के, ह्यूमन चेन. तो ये कब करते थे, अर्ली मैन, पहले करते थे, राइट, कि आग बुझाने के लिए तब इतनी टेक्निक्स नहीं थी हमारे पास. तो इन दैट केस वो क्या बनाते थे, ह्यूमन चेन, सोर्स ऑफ वाटर से लोग जो है आपस में मिलके एक के बाद एक को सप्लाई करते थे, बास्केट को, बकेट को, और लास्ट वाला मैन जो है यहाँ पे इसको स्प्लैश करता. तो दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन चेन. बर्निंग बिल्डिंग टू वेल और ए पॉन्ड. सोर्स कुछ भी हो सकता है, वेल होगा या पॉन्ड होगा या कोई रिवर या कैनल होगा. तो इस तरह से वो ह्यूमन चेन बना के द वॉटर वुड गेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर देन ऑन टू द फायर. हाउएवर थिंग्स हैव चेंज्ड. अब जो है सब चेंज हो गया है, क्योंकि ह्यूमन चेन नहीं लगाते हैं हम, क्या करते हैं, नाउ देयर आर लॉज. जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ लॉज है अकॉर्डिंग टू दैट, कि दो बिल्डिंग के बीच में क्या होना चाहिए बच्चों, स्पेस होना चाहिए. सपोज पहले क्या था कि अब हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर बिल्डिंग है तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, डिस्टेंस. पहले क्या था कि अगर लोग क्या करते हैं, ऐसे करके बिल्डिंग बनाते हैं और बिल्कुल पास पास. तो सपोज अगर इस बिल्डिंग में आग लगी है तो नेचुरली इसमें भी वो इट कैचेस फायर, राइट, तो इसमें भी आग लग सकती है. तो अब हमारे जो लॉज के अकॉर्डिंग टू लॉज कि दो बिल्डिंग के बीच में क्या होना चाहिए, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए, पास पास नहीं होने चाहिए, राइट. तो लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच एंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द बिल्डिंग्स, दो बिल्डिंग के बीच में स्पेस होना चाहिए, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग फायर. अब दूर दूर होगा तो बच्चों जल्दी से कैच फायर नहीं करेगा. अगर पास पास होंगे तो ये वाली तो होगी, इफेक्ट होगा, इसमें भी होगा, और अगर इसके बगल में एक और बिल्डिंग है तो इसमें भी होगा, और बहुत डेंजरस हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल. स्पेशली ए पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स. अब बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग कौन से होते हैं वर्कर, जो आपने फायर ब्रिगेड सुनी होगी, उसमें जो काम करते हैं. तो वो क्या होते हैं बच्चों, स्पेशल इक्विपमेंट्स होता है उनके पास, फायर ब्रिगेड, और उनको क्या देते हैं, ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, और फर्स्ट एड बॉक्स भी रहता है टू हेल्प द इंजर्ड पर्सन बाय बर्निंग बाय फायर. फायर फाइटर्स आर हाईली स्किल्ड होते हैं, ब्रेव पीपल. क्लियर. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर.
अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। हाथ खड़ा करके बच्चों पूछो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, चैप्टर है आपका ये, और क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में आपके यूज होते हैं। कौन से वेज हमने यहाँ पे पढ़े, कौन कौन से कॉम्पोनेंट, कौन कौन से थिंग्स है जो फायर को बनाती है, अर्ली मैन क्या करते थे बिफोर जब डिस्कवर नहीं हुआ था, या हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस हम कर सकते हैं, या कहीं फायर लगी है तो हम कौन कौन से स्टेप्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ा, अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है तो प्लीज कर सकते हैं। राइट, मेनी स्किल्स दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जो हमारे फायर फाइटर्स होते हैं, बैंड ऑफ फायर फाइटर्स, तो वो क्या करते हैं, कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अगर बिजली से कोई हमें नुकसान हो रहा है या फायर लग रही है तो हमें कट ऑफ करना चाहिए, मीटर को हमेशा डाउन कर देना चाहिए। राइट, डेंजरस वॉल्स स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। ऑल्सो दे आर ट्रेन इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड बॉक्सर रहता है, सो दैट दे कैन हेल्प द इंजर्ड पर्सन और इंजर्ड पीपल। द डिस्कवरी ऑफ द फायर एंड इट्स यूजेस हैव बीन वेरी यूजफुल फॉर द सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। अब हम लोग सेटल्ड कैसे भी, अर्ली मैन क्या करते थे, इधर उधर वॉन्डर करते थे, बट जैसे जो है फायर डिस्कवर हुई वो एक जगह सेटल्ड हो गए और क्या शुरू करा उन्होंने, कुक फूड, खाना जो है पहले रॉ खाते थे कच्चा। सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ, फायर इज वर्शिप्ड, जैसे हमने पढ़ा था घर में हम लोग भी पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, तो फायर इज वर्शिप्ड सम प्लेसेस, हु बिलीव दैट वर्शिपिंग फायर विल कीप देम सेफ, वी शुड नेवर फॉरगेट फायर इज अ फ्रेंड। फायर अगर हमारा फ्रेंड है, और बट अ फो, फो मीन्स दुश्मन, एनिमी, व्हेन गॉन आउट ऑफ कंट्रोल, तो कोई भी चीज है बच्चों अगर हम लापरवाही से उसको यूज करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो ऑब्वियस है इट इज डेंजरस टू अस। तो यहाँ पे टाइटल क्या है हमारा, फायर फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड इन द सेंस कि हम लोग खाना बनाते हैं, अपना हाउस वार्म करते हैं इन विंटर, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, दैट इज वाई इट इज आवर गुड फ्रेंड। बट फो वेन इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, जब डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है बहुत चीजों को, देन इन दैट केस इट इज फो और एनिमी वेन इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। तो बच्चों कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, तो बच्चों आपको ही जवाब देने हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को कोई डाउट है, कुनेला खेत, GIC कुनेला खेत, एनी क्वेश्चन बच्चों, कहीं पे आपके समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। फायर को बनाने के लिए, टू मेक फायर, व्हाट थ्री थिंग्स आर नीडेड, कौन सी तीन चीजें चाहिए, किसी को आता है बच्चों, आता है तो हाथ खड़ा करके सिंपल बता दें कि आता है आपको। कितने बच्चों को ये पता है कि फायर को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी तीन थिंग्स चाहिए, इसको आता है, वेरी गुड। और किस, रेज करो, हैंड रेज करके बताओ, अभी यहाँ पे लिखा भी था मैंने आंसर, वेरी गुड। प्यालू खेत से जो है बच्चे बता रहे हैं कि उनको आता है, नेम थ्री थिंग्स विच आर नीडेड टू मेक फायर, वेरी गुड, यस। चलो एनी वे हाथ खड़ा करके आप लोग बता सकते हैं या आंसर जो है चैट के माध्यम से दे सकते हैं कि सिंपल है, फायर को बनाने के लिए अभी हमने डिस्कस करा था कि ऑक्सीजन, और मैंने बोर्ड में भी लिखा था ऑक्सीजन की जरूरत होती है, फ्यूल की जरूरत होती है, एंड नेक्स्ट इज योर हीट, और इससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जब मैंने पढ़ाया था एट दैट टाइम आई टोल्ड यू व्हाट इज फ्लैश पॉइंट और ऑफ अ फ्यूल, कि फ्यूल का फ्लैश पॉइंट क्या होता है। तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है बच्चों, कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी हमारा फ्यूल बर्न होता है उसको हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट या किडलिंग टेम्परेचर। जैसे अभी मैंने बताया था आपको, कोल का अलग होता है, राइट, पेट्रोल का अलग होता है, पेपर का अलग होता है, या वुड का अलग होता है, तो अलग अलग टेम्परेचर। जैसे घर में अब अगर जाएंगे आप, तो क्या वुड एकदम से कैच कर लेती है फायर, नहीं करती, कुछ टाइम लगता है, राइट। तो वो जिस टेम्परेचर पे वो कैच करता है फायर, दैट इज द फ्लैश पॉइंट ऑफ दैट फ्यूल,
राइट right? तो पेपर सबसे जल्दी कैच करता है, तो पेपर का क्या होगा, सबसे कम जो है फ्लैश पॉइंट होता है. तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच अ फ्यूल स्टार्ट्स बर्निंग इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड किंडलिंग टेम्परेचर. इसी को किंडलिंग टेम्परेचर भी कहते हैं कि जिस टेम्परेचर पे, सारे बच्चे ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे, द टेम्परेचर एट विच अ फ्यूल, चाहे कोई भी हो, वुड हो, कोल हो, पेट्रोल हो, या आपकी कुकिंग गैस है, जिस टेम्परेचर में इट कैचेस फायर और बर्निंग करता है, अ फ्यूल स्टार्ट बर्निंग, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड किंडलिंग टेम्परेचर. जिस टेम्परेचर में इट कैचेस फायर या स्टार्ट बर्निंग, दैट पॉइंट इज फ्लैश पॉइंट. क्लियर हो गया बच्चों? हाथ खड़ा करके बताओ, आपको पता चल गया फ्लैश पॉइंट क्या होता है? हैंड रेज करके बताइए. वेरी गुड. घनालू खेत के बच्चे जो हैं जवाब नहीं दे रहे हैं. वेरी गुड. चलो, ये तो था फ्लैश पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस व्हाट आर सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर. अब फायर के क्या क्या यूजेस हैं, आपके घर में क्या यूज करते हो फायर का, आग से क्या क्या काम करते हो. अच्छा, आप लोगों के घर में क्या होता है, सिंपल सा ये आंसर दीजिए. फायर तो सबके घर में यूज होती है, क्या क्या यूज करते हैं? अच्छा आंसर दो, क्योंकि फायर जो है आग से, आपके घर में क्या काम होता है बच्चों? मैम खाना बनाना होता है मैम. वेरी गुड. पानी गर्म करना. बोलो. वेरी गुड. मैम कुकिंग फूड. कुकिंग फूड. मैम वार्म अवर हाउस. वार्म अवर हाउस. वेरी गुड. और क्या करते हैं हम? बॉइलिंग द वाटर. टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. यस. टू हीट द वाटर. राइट. और मैम प्रोड्यूस एनर्जी. यस. वेरी गुड. फायर से क्या निकलती है एनर्जी, किस फॉर्म में आती है आपके पास? मैम गर्मी के रूप में. हीट. हीट. हीट एंड एनर्जी. अभी बताया था ना मैंने आपको कि जब हम कोई चीज बर्न करते हैं तो किस फॉर्म में आती है एनर्जी, एंड एनर्जी में हीट एंड लाइट. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. वेरी गुड बेटा, सिट डाउन. वेरी गुड. नेक्स्ट बच्चे को देना जरा, इससे पूछती हूँ मैं. माइक देना इसको, नेक्स्ट को. आप बताओ कि फायर को, टू मेक द फायर व्हाट थ्री थिंग्स आर नीडेड. तीन चीजें कौन कौन सी चाहिए, प्लीज स्टैंड अप. हाँ बच्चे, वेरी गुड. हेलो मैम, प्रणाम. हाँ जीते रहो, गॉड ब्लेस यू. आप ये बताइए कि आग को, फायर को बनाने के लिए थ्री थिंग्स आर नीडेड. आप नाम बताइए, कौन कौन सी तीन चीजें चाहिए. फ्यूल. फ्यूल. वेरी गुड. ऑक्सीजन. वेरी गुड. एंड हीट. वेरी गुड. हीट मैम. वेरी गुड. माय नेम इज नितिशा बिष्ट मैम. नितिशा बिष्ट. वेरी गुड नितिशा, गुड, वेल डन, सिट डाउन. थैंक यू मैम. नितिशा ने बताया, नितिशा ने अभी बताया, आंसर दिया कि फायर को बनाने के लिए कितनी तीन थिंग्स की आर नीडेड. फर्स्ट इज फ्यूल, ऑक्सीजन एंड थर्ड इज हीट. वेरी गुड नितिशा, वेल डन. अब फायर के यूजेस अभी एक बच्चे ने आंसर दिया था. वेरी गुड. Some common uses of fire are cooking food. हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं. Keeping our homes warm in winter. अब सर्दियां आ रही हैं, आप लोग गर्म करने के लिए कोल जलाते होंगे घर में, या रूम हीटर को यूज करते होंगे. तो रूम हीटर क्या है, जनरेट क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी. तो सेकेंड क्या है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. Erasing darkness. और अंधेरे को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बल्ब का यूज करते हैं, ट्यूबलाइट का यूज करते हैं, या हम क्या कहते हैं, कैंडल्स जलाते हैं. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, फायर इज ए बैड मास्टर. अब क्यों बोला है कि इट इज अ बैड मास्टर, नहीं व्हाट सेंस इट इज अ बैड मास्टर. राइट. फायर इज अ बैड मास्टर. ए मास्टर डज नॉट ओबी अदर्स इन द सेम वे. अब बैड मास्टर कैसे होगा, जब हम किसी का कहना नहीं मानेंगे तभी हम खराब हो जाएंगे ना बच्चों. तो फायर इन द केस, क्योंकि फायर क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है. राइट. हम उसको जो है बिल्कुल
बुझा नहीं सकते, और इतना अगर हम डैम्प, अगर उसमें गीला अगर हम स्टैक डालेंगे या ब्लैंकेट डालेंगे तब भी वो आउट ऑफ कंट्रोल रहती है. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बेड मास्टर. फायर गोज आउट ऑफ कंट्रोल, इट डज नॉट लिसन टू अस एनी मोर, विच इज व्हाई इट इज कॉल्ड बेड मास्टर. सिंपल सा आपका है कि इट इज आउट ऑफ कंट्रोल. व्हेन इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है. नाउ व्हेन इट डज दिस, इट डैमेजेस ह्यूमंस एंड सराउंडिंग्स. और अगर आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो आपने देखा होगा कि आग फैलती रहती है, क्योंकि उसको कौन सी चीजें मिल रही है, ऑक्सीजन सपोर्ट कर रही है. ऑक्सीजन किसको सपोर्ट करती है, बर्निंग को, तो वो सपोर्ट करती है और फिर जो है आग फैलती रहती है आउट ऑफ कंट्रोल. इट डैमेजेस ह्यूमंस बी इवन समटाइम और सराउंडिंग्स. दैट इज व्हाई फायर इज कॉल्ड बैड मास्टर, इसीलिए इसको कहते हैं बैड मास्टर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, What are the three main ways in which a fire can be controlled or put out? अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि कौन कौन से तीन तरीके हैं, वेज हैं कि हम आग को बुझा सकते हैं. Right? Fire can be controlled or put out. तो कल बच्चों सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे चैप्टर. कल हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. तो सारे बच्चे रेडी होके आए, रिवाइज द चैप्टर एट होम, और कहीं पे आके समझ